जो रोड़ी है रोड़ी हाँ, हाँ, उसको तो रोड़ा मारना चाहिए। रोड़ा मारिएगा, रोड़ा मारना चाहिए उसको। का है प्रताप रोड़ी को रोड़ा मारिए। हाँ। कल उसने क्या बयान दिया है? हाँ, कि कोई कि वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। 32 बरस का उसका इतिहास है, पूरा इतिहास। क्या राजीव कुमार रोड़ी का इतिहास नहीं है? बीजेपी में सैकड़ों है इतिहास वाला। हाँ। जो क्रिमिनल। हाँ। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। पप्पू यादव जेल में है 32 साल पुराने मामले में, और वो जब बाहर थे तो आपने देखा होगा कि वो हॉस्पिटल पहुंचते थे, हर जगह जाते थे और लोगों का हाल चाल लेते थे, खाना तक पहुंचता था। अभी भी सब कुछ चालू है, खाना उनकी पार्टी के लोग बांट रहे हैं, मगर जो चीज़ नहीं है वो ये कि पप्पू यादव का प्यार, लोग उन्हें कितना मिस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सरकार ने जेल में डाल दिया चाचा पप्पू जी को, सरकार ने जेल में डाल दिया। हाँ। प्रताप। हाँ। जो रोड़ी है रोड़ी। हाँ, हाँ, उसको तो रोड़ा मारना चाहिए। रोड़ा मारिएगा, रोड़ा मारना चाहिए उसको। का है प्रताप रोड़ी को रोड़ा मारिए। हाँ। कल उसने क्या बयान दिया है? हाँ, कि कोई कि वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। 32 बरस का उसका इतिहास है, पूरा इतिहास। क्या राजीव कुमार रोड़ी का इतिहास नहीं है? बीजेपी में सैकड़ों है इतिहास वाला। हाँ। जो क्रिमिनल। हाँ। वो पूरा का पूरा है। आज अगर कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तुरंत लाठी डंडा पिस्तौल लेके खड़ा हो जाता है। का है 32 साल पुराने मामले में ठूंस दिया। ठूंस दिया क्यों? ठूंस आ गई सच्चाई उसका खोल दिया। हाँ। इस वजह से बोला हूँ, इस वजह से बोला। अच्छा पप्पू यादव थे तो जब सबको सबका सहायता करते थे, अब तकलीफ होता होगा लोगों को? बिल्कुल, गरीब लोग को तकलीफ हो रहा है, हॉस्पिटल में तकलीफ हो रहा है, कहाँ नहीं तकलीफ हो रहा है ना, हॉस्पिटल में 100%। पप्पू ये राजीव प्रताप रूड़ी ने एक चीज़ और कहा था कि कोई क्रिमिनल मंदिर में जाने से साधु नहीं हो जाता, उसके पाप नहीं धुल जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ। कि ये जो बोली बोले हैं कि मंदिर जाने से साधु नहीं होता है। हाँ। तो अशोक जो यहाँ के राजा थे साधु नहीं होता, क्या कहना है इस पे? नहीं है। हाँ। तो यहाँ के जो थे। हाँ। जो अभी भगवान बने में बुद्ध भगवान। हाँ। अशोक। हाँ। 99 भाई का कत्ल कर दिया। हाँ। उनको कैसे भगवान मान लिया गया? अच्छा, अरे आपके तो बीजेपी वाले कहते सबका साथ सबका विकास, पप्पू जी बदमाशी करते हैं। सबका साथ नहीं है ना सबका विकास है। हाँ। मुस्लिम का सिर्फ विनाश है। अच्छा। हिंदू का विकास है। अच्छा, और इसके अलावा कोई इसका बोली है ही नहीं है। कभी जिंदगी में सुना है? हाँ, बोलिए। जितना मीडिया वाले सब बिके हुए। अच्छा, NDTV छोड़ के। अच्छा, रमेश कुमार का हम भक्त हैं। भक्त हैं, एकदम बोलेंगे। अच्छा, हर जगह बोलेंगे जी। वही एक सच्चा न्यूज दिखाते हैं। अच्छा चाचा, ये बताइए, ये जो कह रहे हैं कि पप्पू यादव राजनीति करते थे, समाज सेवा थोड़ी करते थे, वो तो राजनीति कर रहे थे, खाना खिला के ये कर। राजनीति कौन नहीं करता है? या बीजेपी का हो, या कांग्रेस का हो, या RJD का हो, सब तो यही कर रहा है ना। लेकिन अभी जो अच्छा काम कर रहा था उसको क्यों ठेल दिया? ठेल दिया एकदम, एकदम ठेल दिया। क्यों ठेला? मुसीबत में अगर सरकार, मेरा कहना अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर सका और ये पप्पू यादव ने अच्छा काम किया तो कौन सा बुरा कर दिया? अच्छा, जो गरीब लोग हैं उनको तो कमी महसूस हो रही होगी पप्पू जी को? बिल्कुल हो रही है, हर जगह महसूस हो रही है ना, एकदम नाराजगी है सरकार से, एकदम नाराजगी है। नीतीश कुमार बोलेगा नीतीश जी को, नीतीश जी को तो हम भी बोलते थे। हाँ। कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हाँ। ये बिकाऊ हो गए। अच्छा, बिक गए RJD के गोदी में जाकर, इसके बीजेपी के गोदी में जाके बिक गए। ये बिक गए अब इनका कहानी हो गया सांप और छुछुंदर का। अच्छा। ना निगले में बगल रहा है, ना उगले में बन रहा है, है ना, मतलब ये हाल हो गया है। हो गया है, अभी आगे और होगा, और होगा। चलिए एकदम, पप्पू यादव जेल में है, क्या कहिएगा? हम क्या बोल सकते हैं। हाँ, पप्पू यादव सेवा करते थे, याद करते हैं आप लोग पप्पू यादव को? याद तो करवे करते हैं कभी कभी, है ना। हम उतना कोई नहीं याद करता है तो कभी कभी याद कर लेते हैं। हाँ। हम उतना भी याद कर लेता तो हम उत भी याद कर लेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है, है ना। हम उत पे कोई नहीं ध्यान देता है, गरीब पे कोई। पप्पू यादव देते थे ना, पप्पू यादव
पप्पू यादव ध्यान देते थे तो उन्हें ना ध्यान देना है, कहाँ कोई मोहल्ला में आज ध्यान देना है। कल ही उन्हें उपति इन्हें भी तो ध्यान देना बहुत जरूरी ना, इन्हें ध्यान नहीं दिया, इन्हें भी ध्यान देना चाहिए कम से कम। अच्छा, पप्पू यादव जब से 39 एम्बुलेंस का खुलासा किया उसके बाद पप्पू यादव को जिस तरह से उन पे कार्रवाई हुई, पहले लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन को लेकर, फिर उसके बाद उन पे 32 साल पुराना केस डाला गया। हम पहुंचे हैं ये पटना का PMCH, इसके ठीक बाहर और अंदर। हम जानेंगे कि पप्पू यादव यहाँ खाना भी बांटने आते थे, लोगों से मिलते थे भी, उनका हालचाल भी जानते थे। यहाँ पर वो लोग हैं जो हॉस्पिटल के बाहर हैं, हम जानते हैं उनसे कि पप्पू यादव जो सबका सेवा कर रहे थे जी, उनको सरकार अंदर डाल देती है जी। क्या क्या लगता है आप लोगों के मन में, क्या जाता है? मन में जाता ये है कि एक बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ। उनका जो है कि पूरा PMCH का सभी का सेवा किए। हाँ। जितने मरीज को उसको सेवा किए मिला सब दिए जी, बिल्कुल सब दिए। हाँ। पूरा काम किए उन्होंने। हाँ। उनको अंदर करना बिल्कुल गलत बात है। अब तो गरीबों को तकलीफ भी होता होगा। बिल्कुल तकलीफ होता है सर, है ना जी सर। क्या क्या तकलीफ हो जाता होगा? तकलीफ पे खाना पीना, आदमी को दर्द दवा जो भी करते थे वो अच्छा करते थे, हम लोग भी देते थे जी। बिल्कुल सर, अच्छे थे जी सर, बिल्कुल अच्छे थे। विपक्ष तो मतलब सरकार के लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे थे, वो समाज सेवा थोड़ी था। नहीं सर, तो समाज सेवा ही कर रहे हो, है ना जी सर। याद करते हैं पप्पू जी को? जी बिल्कुल याद करते हैं सर, याद आते हैं वो। हाँ सर जी सर, है ना जी जी। बताइए जी। हाँ, हमको भी पप्पू यादव कैसे लगते थे? बहुत अच्छे, बहुत गरीब। 32 साल पुराना केस डाला गया तो क्या था, वो नहीं था तो। हाँ, तो पड़े वाले जाने हम लोग के नज़र में तो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। यहाँ गरीबों का मदद बहुत भी करते बहुत थे। मदद किए आप, तुम लोगों को तकलीफ हो गया होगा? बहुत तकलीफ है ना। या पानी में घुस घुस के, पानी के टाइम में सबको राशन पहुँचा रहे हैं, जिसको जो जरूरत है। अभी देखिए हर जगह हॉस्पिटल में पहुँच करके जरूरतमंद को जरूरत पूरा कर रहे हैं जी। खाना जहाँ नहीं है गरीब लोग को खाना दे रहे हैं, सुई दवा सब 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 कुछ कर रहे थे। तो क्या लगता है कि उन पे राजनीति हुआ है उनके उनके ऊपर? जी सर, राजनीति है ना सर, राजनीति है जी। चलिए, थैंक यू। तो ये पटना के PMCH के बाहर से हम लोगों का हाल जान रहे थे कि पप्पू यादव को वो कितना मिस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही है नहीं होने की वजह से, क्या क्या उन्होंने किया था। तो लोग उनकी गुणगान कर रहे हैं। आप जब पटना के PMCH के बाहर देखिए, ये ठीक बाहर, ये पटना का PMCH का गेट, उसके ठीक बाहर हम, और यहाँ पर जो लोग हैं जो तकलीफ़ में होते थे तो पप्पू यादव को याद करते थे। अब उनको वो किसको याद करें वो भी कन्फ्यूज़ है, उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसको वो याद करें और वो हाजिर हो जाए। पप्पू यादव को लोग याद कर रहे हैं, अच्छे कामों के लिए याद कर रहे हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।